सन 1665 इंग्लैंड ब्यूबॉनिक प्लेग से गूंज रात उन दिनों के पीपी किट्स ये रही आपके स्ट्रिंग। तब लोग रेड जोन से निकलकर ग्रीन जोन की तरफ लौट रहे। उनमें से एक ऐसा आदमी था जो आने वाले सालों में फिजिक्स की परिभाषा बदलने वाला। अरे इसका आंसर तो मुझे आता है, न्यूटन। सर आइज़क न्यूटन। न्यूटन जब कैम्ब्रिज से अपने गांव लौटे तो उनकी प्रोडक्टिविटी 100 गुना बढ़ गई थी। सिर्फ 3 सालों में ही उन्होंने कैलकुलस, ऑप्टिक्स और ग्रेविटी की शोध की। तो अगर न्यूटन घर बैठे बैठे ग्रेविटी ढूंढ सकता है तो आप थोड़ा बहुत तो कुछ प्रोडक्टिव कर ही सकते हैं भाई साहब। तो क्यों ना इस पैंडेमिक कुछ प्रोडक्टिव हो जाए। आए वाओ, आज से मैं भी न्यूटन की तरह प्रोडक्टिव बनूंगा। आज से मैं दिन के 4 रील्स बनाऊंगा। हरे हेलो स्मिथ ब्रो, मैंने तेरे टिकटॉक्स देखे। हरे थैंक्स ब्रो। और बता क्या चल रहा है? हाँ मैं मूवीज देखता हूँ। देख मैंने इंसेप्शन देखी, फिर इंटरस्टेलर देखी, फिर फाइट क्लब देखी, पल्प फिक्शन देखी। एक सेकंड, तो दिन में कितने पिक्चर देखता? बस दिन की 3-4। 3-4? आज से मैं दिन के 5 फिल्म्स देखूंगा। सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। Our business is our business, none of your business. एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। मेरा नाम है इबू हटेला, खाएगा केला। ये देखना ये बुड्ढी की आंखें घूम गई। हे बाबा। हाय। हरे हाय रीमा। तूने प्रतीक की बॉडी देखी? क्या हॉट लग रहा है यार, लगता है दिन का 1 घंटा वर्कआउट करता होगा। 1 घंटा वर्कआउट? आज से मैं 2 घंटे वर्कआउट करूंगा। सही सुना आपने, एलॉन मस्क दिन की 3 किताबें तो ऐसे ही पढ़ लेता है। क्या आपने रील्स बना लिए? हाँ। क्या आपने पिक्चरें देख ली? हाँ। क्या आपने एक्सरसाइज कर ली? हाँ। रे घंटा फर्क पड़ेगा प्रोडक्टिविटी को। अगर बुक्स नहीं पढ़ते तो जाओ पढ़ो, जल्दी जाओ। ब्रो ये सब तो कर लिया लेकिन अब सबको बताना तो पड़ेगा। हाँ ना। But first, let me take a selfie. क्या है यार ये लॉकडाउन का प्रोडक्टिविटी प्लान? मुझे इतनी एंग्जाइटी दे रहा है कि मैं चैन से सो भी नहीं पा रहा हूँ यार। तुम क्यों फॉलो कर रहे हो ये प्लान? लेकिन मैं ये फॉलो नहीं करूंगा तो मेरे सारे दोस्त मुझसे पहले न्यूटन बन जाएंगे। प्रोडक्टिव होने का ये मतलब नहीं होता कि तुम दुनिया से रेस लगाओ। लेकिन मैं भी इस लॉकडाउन में आपकी तरह प्रोडक्टिव बनकर कुछ नया करना चाहता हूँ। कुछ ऐसा करो जिसमें तुम्हें मजा आए। ये वैलिडेशन लेने के चक्कर में अगर डिप्रेशन में चले गए तो किसी का भला नहीं होगा। थैंक गॉड ये सोशल मीडिया मेरे टाइम पे नहीं था, वरना ये टॉम डिक और हैरी के इंस्टा अकाउंट्स देखकर मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता। सेल्फ केयर इज ऑल्सो प्रोडक्टिव। क्लियर है?
तो भाई साहब इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को पोलियो के डोज की तरह शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक शुभ रात्रि। चलो भाई साहब पैकअप तो हो गया, आए अब एक गुजरात की एड और कोविड की कैंपेन बाकी, बस आए।